Hello students, welcome to the next episode of numerical problem in physics. We are doing the numericals on rotational dynamics. So let's start the lecture with the motivational good. आई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन अभी तक हम इस चैप्टर में टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं सो देखिए हमारे पास है सर्कुलर रेस कोर्स ट्रैक हैज़ रेडियस 500 मीटर एंड इट इज़ बैंकड टू टेन डिग्री ठीक है एक सर्कुलर ट्रैक है हमारा जो इंक्लाइंट है 10 डिग्री एंगल और बैंकिंग दिया है क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ़ द व्हीकल एंड द रोड सरफेस इज ज़ीरो पॉइंट टू फाइव तो हमें बताना है मैक्सिमम स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग एंड ऑप्टिमम स्पीड टू अवॉइड द व्र एंड टीयर ऑफ द टायर दो दो टाइप की हमें स्पीड निकालनी है हमें क्या गिवन है इसमें रेडियस जो है ट्रैक का वो कितना गिवन है हमें फाइव हंड्रेड मीटर्स ठीक है एंड एंगल ऑफ बैंकिंग मुझे गिवन है टेन डिग्री और हमारे पास इसके अलावा कोफिशंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द रोड एंड टायर इज़ दिस तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है मैक्सिमम स्पीड के लिए मैक्सिमम स्पीड टू अवॉइड स्लीपिंग इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है आर जी टेन थीटा प्लस म्यूएस अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे मैक्सिमम स्पीड जो है व्हीकल का जब वो कर्व रोड में मूव करता है जब थीटा एंड न्यू दोनों गिवन है ठीक है तब हम ये यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा आर जी नाइन पॉइंट एट बोला है टेन टेन डिग्री प्लस न्यू एस जीरो पॉइंट टू फाइव ओके और वन माइनस टेन टेन डिग्री इंटू ज़ीरो पॉइंट टू फाइव तो देखिए क्या कर सकते हैं अब इसमें ये फाइव हंड्रेड इंटू नाइन पॉइंट एट टेन टेन डिग्री का हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया था ज़ीरो पॉइंट पॉइंट वन सेवन सिक्स थ्री होता है इसका वैल्यू ठीक है और वन माइनस जीरो पॉइंट वन सेवन सिक्स थ्री इंटू ज़ीरो पॉइंट टू फाइव अब ये पार्ट का कैलकुलेशन करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप लॉगरेथमिक टेबल का यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए तो इनको सॉल्व करके अभी मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रही हूँ आपको आप सॉल्व करके इसको देखिए अप्रॉक्स आपके पास आंसर जो होगा इसका 46.72 मीटर पर सेकेंड आपको मिलेगा इसके अलावा मुझे फाइंड करना है ऑप्टिमल स्पीड तो जो ऑप्टिमल स्पीड होती है टू एवॉयड वीयर एंड टीयर वो होता है मेरा आर जी टेन थीटा ऑप्टिमल स्पीड जो होती है वीयर एंड टीयर को अवॉइड करने के लिए ही होती है तो दैट इज़ आर जी टेन थीटा तो ये हो जाएगा मेरा फाइव हंड्रेड इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू टेन टेन डिग्री और ये मेरे पास हो जाएगा हमारे पास टेन टेन डिग्री की वैल्यू जो होगी मेरी वो क्या होगी ज़ीरो पॉइंट वन सेवन सिक्स थ्री तो यहाँ पे आपको ट्वेंटी नाइन पॉइंट थ्री सेवन मीटर पर सेकेंड मिलेगा ओके तो ये मेरी हो गई उसकी ऑप्टिमल स्पीड वीयर एंड टीयर को रोकने के लिए और ये स्पीड उसको स्लिपिंग को स्लिप होने से अवॉइड होने के लिए ये रहेगी तो इस तरह से हमने इन दोनों स्पीड को कैलकुलेट किया स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रेसिंग ट्रैक ऑफ करवेचर 9.9 मीटर इज बैंड एट 10 इनवर्स 0.5 हमें रेडियस ऑफ करवेचर दिया है 9.9 मीटर और जो एंगल दिया है वो कितना दिया है टेन इनवर्स 0.5 हम यहाँ लिख सकते हैं टेन थीटा को 0.5 पॉइंट कोफ़िशेंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया है 0.2 एंड जो स्पीड लिमिट्स दी हुई है उसमें कितना है 10 परसेंट मार्जिन है टेन परसेंट मार्जिन है मतलब टेन परसेंट प्लस माइनस हो सकता है मतलब मिनिमम स्पीड जो भी उसकी रही होगी मिनिमम स्पीड से दस परसेंट ज़्यादा हो सकता है और मैक्सिमम स्पीड से वो दस परसेंट कम हो सकता है ठीक है तो ये है स्पीड लिमिट का मीनिंग तो देखिए वी मिनिमम पहले मैं निकालूंगी वी मिनिमम के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगी आर जी टेन थीटा माइनस न्यूएस ऊपर करते हैं मिनिमम स्पीड में हमारा माइनस ऊपर होता है और मैक्सिमम स्पीड में जो है ऊपर प्लस नीऊपर माइनस नीचे प्लस रहेगा फॉर्मूले में ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा आर नाइन पॉइंट नाइन है जी नाइन पॉइंट एट है टेन थीटा ज़ीरो पॉइंट फाइव है म्यूएस जीरो पॉइंट टू है वन प्लस जीरो पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट टू ठीक है तो ये जो है हम सॉल्व करेंगे इसका तो हमारा क्या निकल जाएगा वी मिनिमम निकल जाएगा तो देखिए वी मिनिमम इसको सॉल्व करेंगे तो वी मिनिमम आपका आएगा फाइव पॉइंट वन नाइन सिक्स ठीक है मीटर पर सेकेंड सॉल्व कर लीजिए इसको ठीक है तो आपका वी मिनिमम अच्छा वी मिनिमम अलाउड कितना है वी मिनिमम कितना अलाउड है वी मिनिमम स्पीड से टेन परसेंट एक्स्ट्रा तक अलाउड है ठीक है क्योंकि टेन परसेंट का मार्जिन किया है तो इसको सॉल्व करेंगे हंड्रेड एंड टेन अपॉन हंड्रेड इन वी मिन आ जाएगा दैट इज़ हंड्रेड अपॉन्ट टेन इंटू फाइव पॉइंट वन नाइन सिक्स ठीक है तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा फाइव पॉइंट सेवन वन सिक्स मीटर पर सेकेंड तो मिनिमम स्पीड अलॉन्ग विथ टेन परसेंट मार्जिन जो उसको अलाउड है दैट इज़ 5.716 पॉइंट मिलीमीटर पर सेकेंड इतना उसे मिनिमम स्पीड जो है वो अलाउड है अब हम वी मैक्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे आर जी यहाँ पर टेन थीटा प्लस म्यू एस रहेगा जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था और वन माइनस म्यू एस टेन थीटा तो ये मेरा क्या हो जाएगा आर देखिए नाइन पॉइंट एट सॉरी नाइन पॉइंट नाइन इंटू नाइन पॉइंट एट और ज़ीरो पॉइंट फाइव प्लस ज़ीरो पॉइंट टू वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव इंटू ज़ीरो पॉइंट टू तो ये मेरा क्या निकलेगा आपका वी मैक्स निकलेगा इसको सॉल्व करेंगे एट पॉइंट सेवन सेवन फाइव मीटर पर सेकेंड ये निकलेगा ठीक है अच्छा वो कितना अलाउड है हमारा मैक्सिमम स्पीड अलाउड कितना है क्योंकि टेन परसेंट मार्जिन है तो हम इसमें क्या करेंगे वी मैक्स माइनस टेन बाय हंड्रेड ऑफ वी मैक्स ये कर सकते हैं हम ठीक है मिनिमम में टेन परसेंट ऐड कर देंगे और मैक्सिमम में टेन परसेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे मार्जिन स्पीड निकालने के लिए तो वी मैक्स अलोंग विद मार्जिन स्पीड निकालने के लिए ठीक है तो ये देखिए अलाउड कितना हो गया इसको माइनस करेंगे तो नाइन्टी अपॉन हंड्रेड आएगा नाइन्टी अपॉन हंड्रेड इंटू वी मैक्स ठीक है तो ये नाइन बाई टेन इंटू वी मैक्स कितना रहेगा आपका वी मैक्स कितना है एट पॉइंट सेवन सेवन फाइव ठीक है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट नाइन इंटू एट पॉइंट सेवन सेवन फाइव ठीक है तो आपका आएगा सेवन पॉइंट एट नाइन एट मीटर पर सेकेंड तो जो मैक्सिमम स्पीड आपको अलाउड है वो कितना है सेवन पॉइंट एट नाइन एट मीटर पर सेकेंड ठीक है इतना मैक्सिमम स्पीड अलाउड है और मिनिमम स्पीड जो रहेगा वो कितना है सेवन पॉइंट सेवन पॉइंट फाइव पॉइंट सेवन वन सिक्स एंड मैक्सिमम सेवन पॉइंट एट नाइन एट नो no डाउट इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ पार्ट है अगर लोग से आपको सॉल्व करना आता है लॉग का टेबल यूज करके तो ये बहुत इजी हो जाएगा जो सिंपल कैलकुलेशन है उसको डायरेक्ट करके जितना मैन्युअली कर सकते हैं राउंड ऑफ करके उनको मैन्युअली करेंगे एंड देन आफ्टर यूज लॉग टेबल इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी वैल्यूज ओके तो ये इसका आंसर हुआ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड अलाउड आई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द पार्ट ऑफ द रेसिंग ट्रैक इज इस ट्रैक इज अलाउड टू डिजाइन अ कर्वेचर ऑफ थर्ट सेवेंटी टू डिग्री सॉरी सेवेंटी टू मीटर एक रेसिंग ट्रैक है जिसका कर्वेचर रेडियस जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर सेवेंटी टू मीटर है वी आर नॉट रिकमेंडिंग द विकल टू डराव फास्टर दैन टू एन सिक्स किलोमीटर पर आवर उस ट्रैक में व्हीकल को अलाउड नहीं है टू वन सिक्स किलोमीटर पर आवर से फास्टर स्पीड में मूव करना तो किस एंगल से वो जो रोड है वो टिल्ट होगी ये बताना है एंड बाय व्हाट हाइट विल इट्स आउटर एज बी विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज ठीक है आउटर एज और इनर एज के बीच का हाइट डिफरेंस बताना है इफ़ द ट्रैक इज टेन मीटर वाइड देखिए ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं ट्रेन का जिसमें कि मैंने आपको बताया था मीटर गेज था तो ये जो ट्रैक का विद होता है इसे हम किस में लेते हैं हाईपॉट न्यूज में लेते हैं और हाइट जो होता है इनर एज और आउटर एज के बीच का वो हमारा ये है दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग ये याद रखिएगा ट्रैक के बीच का विद होता है और ये होता है हमारा हाइट द आउटर एज ठीक है आउटर एज अबव द इनर एज ठीक है ये मुझे इसमें फाइंड क्या करना है थीटा फाइंड करना है और एच फाइंड करना है तो देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं थीटा और एच फाइंड करना है वी मैक्स जो है हमें इसमें टू एन सिक्स किलोमीटर पर आर दिया है मैक्सिमम स्पीड इतनी अलाउड है इसको फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए तो ये हमारी मैक्स वेलासिटी आ गई ठीक है और हमें जब वी दिया है और आर दिया होता है तो हम टेन थीटा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विजिकल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और वी इज इजिकल्स टू आर जी टेन थीटा यहाँ पर हम बोल सकते हैं टेन थीटा इज इजिकल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी वी सिक्सटी है आपका आर हमें टेन बोला है लेने के लिए सॉरी आर सेवेंटी टू है और जी मुझे मिल बोला है टेन लेने के लिए तो ये मेरा थर्टी सिक्स हंड्रेड हो जाएगा और ये सेवन 20 हो जाएगा इसको मैं डिवाइड करूंगी तो मेरा 5 मिलेगा मुझे ठीक है ओके तो थीटा मेरा हो गया tan इनवर्स 5 डिग्री तो इस एंगल से वो रोड जो है टिल्ट होनी चाहिए उसके बाद मुझे ये हाइट कैलकुलेट करना है तो अगेन हम निकालेंगे अगर टेन थीटा हमारा फाइव है तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा देखिए यहाँ मैं अपना ट्रिग्नोमेट्री लगा रही हूँ टेन थीटा मेरा फाइव बाई वन है यानी ये फाइव ये वन तो ये रूट ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा ठीक है तो आराम से मैं साइन थीटा निकाल सकती हूँ फाइव बाई रूट ट्वेंटी सिक्स फाइव बाय रूट ट्वेंटी सिक्स का हम बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे अच्छा मुझे हाइट निकालना है तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा ये अगर एच निकालना है तो मैं इसको ए बी साइन थीटा लिख सकती हूँ क्योंकि मेरा साइन थीटा होगा एच अपॉन ए बी तो एच इज़िकल्स टू टेन इंटू साइन थीटा की वैल्यू फाइव बाय रूट ट्वेंटी सिक्स है तो ये हो जाएगा फिफ्टी रूट ट्वेंटी सिक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे फाइव पॉइंट जीरो नाइन नाइन ठीक है तो आपको इसको करके आपको अप्रॉक्स जो है मिलेगा वो कितना मिलेगा नाइन पॉइंट एट वन मीटर तो इस तरह से मेरी हाइट आ गई 9.81 मीटर ठीक है और एंगल आ गया टेन इनवर्स फाइव डिग्री और हाइट आ गया 9.8 मीटर तो याद रखिए इनर आउटर एज अबव द इनर एज दैट द डिफरेंस बिटवीन द हाइट इज दिस और अगर बोला जाए कि ट्रैक की विधि दी हो या ट्रैक के बीच का डिस्टेंस दिया हो तो वो आपको क्या लेना है हाईपोटिन्यूस में लेना है इस बात का ध्यान रखेंगे और म्यू नहीं दिया है तो वी का फॉर्मूला डायरेक्ट आर जी टेन थीटा हो जाएगा जो मैंने वी मैक्स और वी मिन का फॉर्मूला बताया अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन में जस्ट म्यू की वैल्यू जीरो पुट कीजिए तो आपको यही मिल जाएगा और जब टेन थीटा जीरो है मतलब कर्वड नहीं है कर्वेचर नहीं है बैंकिंग नहीं है म्यू है तो हमारा वी आर जी म्यू हो जाएगा सिर्फ हमारा तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आज का एपिसोड इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन की प्रैक्टिसिंग